नमस्कार, मैं प्रफुल्ल मंडलोई स्मरण का यह अंक लेकर आपके लिए उपस्थित हूँ। आज हम एक ऐसे शूरवीर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। फौजी वर्दी, चश्मे से झांकती ऊर्जा भरी आंखें और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जोशीला नारा। जी हाँ, आपने सही याद किया, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सब नेताजी के नाम से याद करते हैं। आज उनकी 125वीं जयंती है और भारत शासन ने उनकी 125वीं जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया है। भारत सरकार का उद्देश्य यह है कि युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ मिल सके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऊर्जा हमारे भारतीय युवाओं में प्रवाहित हो सके। बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर। कटक में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी की अलग जगाने के लिए इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दे दिया था और बाद में जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाली भावना उन्हें लगा कि कांग्रेस के माध्यम से सफल नहीं हो सकती, तो कांग्रेस से भी इस्तीफा देकर वे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नया राजनीतिक दल बनाकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। आज़ाद हिंद फौज, जिसे राज बिहारी बोस ने स्थापित किया था, उसे अपने हाथ में लेकर उन्होंने 2 वर्ष तक विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ इतना तेजी से युद्ध लड़ा कि अंग्रेजों को लगा कि अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। लेकिन एक दुर्घटना जिसमें नेताजी जो गुमशुदा हुए, आज तक उनकी कोई खबर नहीं। हालांकि आधिकारिक रूप से उन्हें मृत मान लिया गया, लेकिन फिर भी आज भी हम मानते हैं कि नेताजी कहीं ना कहीं जीवित हैं और आज भारत की आज़ादी को देखकर निश्चित ही खुश हो रहे होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ जी तथा प्रभावती देवी जी के यहाँ हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा कटक से ली, जबकि मैट्रिकुलेशन कलकत्ता से किया और बीए की डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सन 1918 में प्राप्त की। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इससे सुभाष जी के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया। अब सुभाष अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने और भारत को स्वतंत्र कराने का आत्मसंकल्प लेकर चल पड़े राष्ट्र कर्म की राह पर। भारतीय सिविल सर्विस यानी ICS की परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण होकर प्रावीण्य सूची में 4th स्थान पाने वाले नेताजी ने भारत की आज़ादी का अलग जगाने के लिए ICS से इस्तीफा दे दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन देश को आज़ादी दिलाने की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। शिक्षा के दौरान ही देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए देश के कई तत्कालीन दिग्गज स्वतंत्रता सेनानियों की जिंदगी से प्रेरित होकर देश की आज़ादी की मुहिम में खुद को शामिल कर लिया। नेताजी देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए दूसरों से अलग सोच विचार रखते थे और उन्होंने अपने ही बलबूते पर देश के युवाओं को शामिल करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। सुभाष चंद्र बोस जी संत अरविंद घोष और गांधी जी के जीवन से बहुत अधिक प्रभावित थे। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, जिसमें बहुत से लोग अपना अपना काम छोड़कर भाग ले रहे थे। इस आंदोलन की वजह से लोगों में बहुत उत्साह था। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अपनी नौकरी को छोड़कर आंदोलन में भाग लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 20 जुलाई 1921 को सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से पहली बार मिले और उन्होंने ही गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो एक महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हिम्मत से युद्ध लड़ा था। नेताजी 1920 और 1930 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वच्छंद युवा और कोर नेता थे। वे 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, हालांकि 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो बाद में एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी बन गई। नेताजी भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक बड़ी भारतीय आबादी को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित भी किया। 12 सितंबर सन 1944 को रंगून के जुबली हाल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई राहत देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया।
विश्व के अलग अलग देशों में वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाने के लिए यात्राएं करने लगे। विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था और नेताजी को आशा थी कि जर्मनी उन्हें जरूर सहयोग करेगा, लेकिन जर्मनी से पर्याप्त सहयोग न मिल पाने के कारण नेताजी जापान गए, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस द्वारा गठित राष्ट्रीय फौज को आजाद हिंद फौज के रूप में नया नाम देते हुए उसकी कमान संभाली। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। आजाद हिंद फौज अंग्रेजों से लोहा ले ही रही थी और सुभाष चंद्र बोस अलग अलग देशों में आजाद हिंद फौज के लिए और भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए यात्राएं कर रहे थे, लेकिन 16 अगस्त सन 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताईहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। गुलामी जिंदा इंसान को भी लाश बना देती है, इसलिए अपनी व्यक्तिगत आज़ादी और देश की आज़ादी के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी ताकत में विश्वास करो, उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती है। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। और आखिरी में फिर वही कालजयी नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो स्मरण के इस अंक में हमने बात की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह अंक पसंद आएगा। स्मरण के अगले अंक में हम फिर किसी महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, उन्हें याद करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।